वेलकम एंड वेलकम बैक अगेन। आज मैं आपके साथ में मीशो हॉल शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे कुर्ता एंड कुर्ता सेट शेयर करने वाली हूँ एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। अराउंड 1200 और समथिंग के अंडर में ही सारे मिल जाएंगे। मैक्सिमम तो कह सकते हो 800 और समथिंग के ही हैं, यानी अंडर 1000 वाले हैं। तो बहुत ही प्यारा कलेक्शन आज का होगा एंड समर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास का नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट करें एंड अगर कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग किसी भी प्रोडक्ट, देन उसके नीचे आप कमेंट में जा करके पूछ सकते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ना इस चिकनकारी कुर्ता सेट के साथ में। ये दोनों मुझे कॉम्बो में मिले, अराउंड 900 समथिंग इसकी प्राइस है और मीशो पे ना मुझे कॉम्बो में लगा। इसके कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो नीचे बॉटम भी है ना कुछ इस तरह का मिलता है, सिंपल है, चौजट के फैब्रिक है, ऊपर में इलास्टिक वाली लुक दी गई है एंड कुछ इस टाइप का ये प्लाजो है। नीचे में इस तरह से इसमें चिकनकारी की कढ़ाई की गई है एंड अंदर में एक लाइनिंग भी दी गई। फ्लेयर अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक साइजेस भी अवेलेबल हैं और आप साइजेस अपना ट्राई कर सकते हैं, कलर ऑप्शन मिल जाता है। सब कह सकते हो 1000 रुपीज़ में आपको दोनों बहुत सेट मिल जाता है, वो भी लखनवी चिकनकारी कुर्ते के, देन डेफिनेटली यू शुड ट्राई। एंड फैब्रिक भी इसका अच्छा दे रखा है। हैव अ लुक ऑन दिस कुर्ता। ये कुर्ता ना आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, जिसमें आप नेक पे आपको इस तरह से वर्क मिलेगा, हैव अ लुक। एंड स्लीव्स आपको फुल स्लीव्स मिलता है, उस पर भी इस तरह से वर्क है, बैक साइड में भी वर्क दिया हुआ है छोटा सा इस तरह से। एंड इसे आप जीन्स के साथ कैरी करो और या तो फिर अगर इसके बॉटम वियर के साथ कैरी करते हो तो भी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये वाला तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी क्योंकि फैब्रिक एंड एवरीथिंग बहुत ही अच्छा दे रखा है। हाँ, इसके नीचे ना इनर नहीं दे रखा है, यानी जो अपर पार्ट है ना इसके नीचे इनर नहीं दिया हुआ है, तो इनर तो आपको खुद से कैरी करना होगा। नेक्स्ट वन गाइस, ये एक दुपट्टा सेट है पूरा और पिक्चर में काफ़ी यू नो सुंदर लग रहा था, एक्चुअल में जो रिसीव हुआ है लेट मी शो यू। तो सबसे पहले आता है इसका दुपट्टा। दुपट्टा आप देखो, दुपट्टा आपको मिलेगा कुछ इस तरह से। ये इसका जो फैब्रिक है ना, नहीं कह सकते उस तरह से, सिल्क वाले टाइप का फैब्रिक है, सॉफ्ट है एंड इस तरह से इस पर प्रिंट हो रखा है। ओके, एंड पूरे दुपट्टे की जो लेंथ है वो 2.5 मीटर दी गई है, विड्थ भी अच्छी है एंड पूरा इस तरह से प्रिंटेड इस पर वर्क हो रखा है। ओके, एंड सेकेंड साइड आपको कुछ इस टाइप का इसका लुक देखने को मिलेगा। इसके नीचे आता है बॉटम वियर एंड बॉटम वियर भी काफ़ी अच्छे से, फ्रंट में बेल्ट लुक है एंड यहाँ पर देखो बटन है, देन यहाँ पे ये चेन वाली डिटेलिंग दे रखी है। साइड में आपको वन साइड में पॉकेट भी मिल जाती है इस तरह से एंड ये ना प्लाजो टाइप के अंदर से आपको मिलेगा, प्लाजो पैंट की तरह। नीचे में भी इस तरह से प्रिंट है। ओके, एंड ये पूरा ना सिर्फ प्रिंट है, जैसा पिक्चर में था ना कि इस पर फॉयल प्रिंट का वर्क है, बट इस पर फॉयल प्रिंट नहीं है, बस सिंपल सा प्रिंट है, बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड ये इसका कुर्ता है, देख सकते हो स्क्वायर नेक में है एंड यहाँ पर ना इस तरह से प्रिंट हो रखा है नेक पे, जो एक काफ़ी अच्छा डिटेलिंग दे रहा है। एंड स्लीव्स आपको 3/4 स्लीव मिलेगा, इस पर भी इस तरह से प्रिंट है, ओवरऑल प्रिंटेड वर्क है, फैब्रिक इसका काफ़ी अच्छा है, इसको पहनने के बाद कैसा लगता है। एंड जो बैक साइड है वो भी काफ़ी इस तरह से प्रिंटेड में आएगा आपको, नीचे में इस तरह से पूरा प्रिंट मिलेगा। ओके गाइस, ये समर्स में ना आप इसे आराम से पहन सकते हो, इवन कॉलेज ऑफिस सब भी आराम से पहनो, बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल आपको फील होगा एंड फैब्रिक भी ना इसका काफ़ी सॉफ्ट है, देन डेफिनेटली यू शुड ट्राई इसे, ना मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। एंड जो नेक्स्ट वन है ना, ये भी एक पूरा दुपट्टा सेट है, इसमें ना कलर ऑप्शन नहीं है, सिंगल कलर ऑप्शन है एंड इसके पहले जो मैंने आपको दिखाया ना उसमें भी आई थिंक सो कलर ऑप्शन नहीं है, सिंगल कलर है। एंड ये देखो, ये कॉटन का कुर्ता सेट है एंड कॉटन का ही आपको दुपट्टा मिलता है पूरा प्रिंटेड एंड इस तरह से ये पूरा प्रिंटेड मिलेगा एंड लेंथ पूरा दे रखा है इसका 2.5 मीटर, विड्थ भी अच्छी दे रखी है। एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ये इसका बॉटम वियर, बॉटम वियर ना कुछ इस तरह से मिलेगा, काफ़ी है ना अच्छे क्वालिटी का लग रहा है एंड फ्रंट में इस तरह से बेल्ट वाला पैटर्न है एंड बैक साइड में इलास्टिक वाला पैटर्न है एंड ये कुछ सरारा टाइप का है, इस तरह से इसका सरारा ही नीचे दे रखा है एंड कॉटन फैब्रिक का है, घर पे पहनने के लिए अच्छा है। जैसे इसका ये बैक साइड है, ओके, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इवन इसका जो लुक आएगा ना वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये वाला हो गया इसका बॉटम वियर एंड इसका कुर्ता ना कुछ आपको इस तरह से मिलेगा, साइजेस आपको मिल जाएंगी, मैंने स्मॉल साइज पिक किया है एंड इस तरह से इस पर पूरा प्रिंट आएगा, जैसा मैंने पिक्चर में देखा सेम टू सेम रिसीव हुआ, यहाँ पर इस तरह से पोम पोम की डिटेलिंग दे रखी है, 3/4 स्लीव्स है एंड
स्लिट कट कुर्ता है गाइस, बैक साइड भी आपको ओवरऑल पूरा प्रिंट मिलेगा। एंड नीचे में ना फ्रंट में आपको यहाँ पे इस तरह से अगेन ये पोमपोम की डिटेलिंग मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है एंड इसका लुक एंड एवरीथिंग काफ़ी अच्छा है, घर पे पहनने के लिए कंफर्टेबल फील होगा बिकॉज समर्स में आप कॉटन के फैब्रिक के या इस तरह से फैब्रिक जो हल्के फैब्रिक होते हैं ना वो पहनो तो काफ़ी यू नो कम्फर्टेबल होते हैं एंड समर्स के लिए काफ़ी सही है। तो ये वाला तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। नेक्स्ट वन गैस, ये एक कुर्ता सेट है एंड इस तरह से इसका बॉटम वियर मुझे रिसीव हुआ है। बॉटम वियर कुछ इस टाइप से है ये, आई होप सो। ये प्लाजो पैंट की तरह है। ओके, फ्रंट में बेल्ट वाला पैटर्न दिया हुआ है एंड बैक साइड में इलास्टिक है। एंड यहाँ पे देखो आप नीचे में ना इस तरह से इसमें वो कुर्ता वाला जो होता है ना वो इसमें चिकनकारी वर्क की तरह से दिया हुआ है। साइड में इस तरह से कट भी दिया हुआ है तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। साइज़ मैंने अगेन ये स्मॉल साइज़ लिया है एंड मुझे ये परफेक्ट लग रहा है। इसमें मेंशन है ना स्मॉल साइज़, बट ये स्मॉल साइज़ नहीं है, ये स्मॉल साइज़ से काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो ये तो आई थिंक सो ये बॉटम वेयर तो परफेक्ट है बट ये काफ़ी लूज़ लग रहा है। तो ये इसका कुर्ता देख लो, फ्रंट में ना ये फॉल्स मिरर का वर्क हो रखा है एंड काफ़ी नो कुछ अलग एम्ब्रॉयडरी हो रखा है एंड बटन्स की भी डिटेलिंग है, जरी का भी पूरा वर्क दिया है, नेक पे काफ़ी सुंदर सा वर्क दिया हुआ है। एंड स्लीव्स इसका ना 3/4 स्लीव्स है एंड ओवरऑल ये इसी तरह से सिंपल, इसमें ना ये जो फैब्रिक है ना इसी में स्क्वायर स्क्वायर बना हुआ है पास से देखो, और इसकी एम्ब्रॉयडरी भी ना काफ़ी डिफरेंट है, यानी एकदम फुल कह सकते हो पैसा वसूल वाला जो कुर्ता है ना वही है। आप इसे किसी भी फंक्शन में भी, जो छोटे मोटे फंक्शन है उसमें भी पहन सकते हो। बैक साइड भी कुछ इस तरह से है एंड अगर कैमरे में विजिबल हो रहा होगा देन इसमें ना कुर्ते में इस तरह से पैटर्न बना हुआ है ओवरऑल। ओके, तो ये गाइस आज के हॉल के कुछ आउटफिट थे, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल एंड वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। एंड अभी तक अगर चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, जो रेड कलर का बटन आपको दिख रहा है अभी भी, तो उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें एंड आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे अमेजिंग कलेक्शन के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।